वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योतिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। तो इस बार मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए होम डेकोर आइटम, जो कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो 12 या 13 प्रोडक्ट्स होंगे, और मैं उसका ही मैं रिव्यू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इस बार मैंने अपना थोड़ा कंटेंट चेंज किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अलग अलग चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए। तो इस बार मैंने होम डेकोर का आइटम मैंने चूज़ किया है, बहुत ही कम रेंज वाला मैंने चूज़ किया है, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अट्रैक्टिव वाला मैंने यहाँ पे होम डेकोर का आइटम लिया है, उसी का मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सारा का सारा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। तो चलो फिर मैं आज का मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। इस बार मैंने जो चूज़ किया है ना, वॉल हैंगिंग वाला ही मैंने आइटम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने परचेस किया है, जो कि वॉल पे आप अच्छे से उसे डेकोर कर सकते हो अपने लिविंग एरिया को, या फिर अपने हॉल को, या फिर बेडरूम को, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा अगर उस प्रोडक्ट को आप अपने घर पर लगाओगे और यूज़ करोगे। तो मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर और बहुत ही कम रेंज वाले मुझे मिल गए थे, तो मैंने इसे परचेस किया है। इसका रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों से। चलिए मैं पहले आपको अपना पहला प्रोडक्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है अपने वॉल पे लगाने के लिए काफी सुंदर सा, ये मेटल का आपको ऐसा डिजाइन वाला मिल जाएगा, ग्लास मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। कलर आपको यहाँ पे 2 रेड मिलने वाला है, 1 येलो पे मिलेगा, काफी खूबसूरत सा आप यहाँ पे शॉर्ट्स ग्लास मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक बार लगा के भी दिखाती हूँ, लगाने के बाद ना ये बहुत ही सुंदर लगने वाला भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे आपको हैंग करने को ये वाला स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आपको हैंग करना है, तो यहाँ पे आपको ग्लास लगाना है। इसके अंदर आप अगर कैंडल लगाओगे ना तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा भी लगेगा, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा पीस है और ये मुझे 160 रुपीज़ के अंडर पे मिला है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको बाय करके ना आप अपने घर पर डेकोर करो। बहुत ही प्यारा सा चीज़ आपको 160 रुपीज़ के अंडर पे मिल रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको इसको डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद ये कैसा लगता है। जो मेरा आइटम है ना, जो मैंने परचेस किया है मीशो से, बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना 2 चीज़ एक साथ मिल रहा है। एक तो आपको ये वाला साइकिल वाला आपको यहाँ पे शोपीस भी मिल जा रहा है, यहाँ पे नीचे पे आपको अपने की को भी हैंग करने के लिए मिल रहा है। बहुत ही प्यारा ये आप अपने वॉल पे भी लगा सकते हो या फिर अपने डोर पे भी लगा लो। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए प्लेस मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको मेटल का बना हुआ मिलेगा। और यहाँ पे आपको 4 आपको यहाँ पे की लगाने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा पीस है, शोपीस भी है और यूजफुल भी होने वाला है आपके लिए, काफ़ी अच्छा पीस है, बहुत ही कम रेंज वाला भी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा भी लग रहा है। चलिए मैं आपको उसको कहीं पर डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद कैसा लगता है। यहाँ पे ये है मेरा 3rd प्रोडक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सुंदर सा आपको यहाँ पे सनफ्लावर शेप वाला आपको यहाँ पे मिरर भी मिलने वाला है। ये आपको मिरर मिल जाएगा यहाँ पे छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा सनफ्लावर का आपको शेप मिलने वाला, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे गोल्डन कलर का पूरा यहाँ पे पेंट लगा हुआ दिखेगा, और अंदर पे ब्लैक एंड गोल्डन कलर का काफ़ी सुंदर खूबसूरत सा दिख भी रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव भी लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना कैंडल रखने के लिए भी जगह दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा आपको कैंडल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस आपको मिल रहा है बहुत कम रेंज पे, मुझे काफी अच्छा लगा। इसका पीछे का भी मैं आपको हिस्सा दिखाती हूँ। पीछे बैक में कुछ आपको ऐसा हैंग करने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आपको मिल जाएगी इसमें। हैंग करने के लिए आपको ऐसे यहाँ पे मिलने वाला है, काफ़ी सुंदर सा चीज़ है, मतलब आपको हैंग करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप इसे कहीं भी हैंग कर लो अपने लिविंग रूम में, या फिर अपने रूम पर, या फिर आप कहीं पर आपका रेस्टोरेंट है या फिर कुछ है वहाँ पर भी आप इसको लगा लो, बहुत ही प्यारा सा भी लगेगा। लोगों की नज़र एक ना एक बार जाने वाली है इस चीज़ पर, इतना अच्छा चीज़ है और सस्ता भी चीज़ है, तो मैं तो बोलूँगी कि हाँ आपको ये जरूर बाय करना चाहिए। चलिए फिर मैं आपको उसको कहीं पर डेकोर करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेट ऑफ 3 का मेरे को हैंगिंग वाला मिला है वॉल पे हैंग करने के लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मुझे कलर मिला है, पहला तो ये मुझे ब्लू मिला है, दूसरा मुझे रेड कलर मिला है, और तीसरा मुझे येल्लो कलर में मिला है। तीनों में आपको अलग अलग आप यहाँ पे वो मिल जाएगा, फ्लावर बना हुआ मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, और प्लस आपको यहाँ पे हैंग करने के लिए भी मिलने वाला है। और ये पूरा का पूरा आपको वुडन का बना हुआ मिल जाएगा, आप आगे और पीछे दोनों साइड देख सकते हो, काफ़ी अच्छा अपने वॉल पे
उसे हैंग करो, बहुत ही सुंदर सा लगेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव पीस मिल रहा है, बहुत ही कम रेंज में मिल रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आपको चलो हैंग करके दिखाती हूँ, हैंग करने के बाद ये कैसा लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कुछ मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, काफ़ी सुंदर सा अपने वॉल पे ये आपको जरूर का मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर सा। इसका फिनिशिंग देखो, इसका जो डिज़ाइन है ना काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ही सुंदर सा पीस मुझे रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही प्यारा सा भी लग रहा है, पीछे में कुछ आपको ऐसा हैंग होने को मिल जाएगा, यहाँ पे दो जगह को आपको हैंग करने के लिए मिलेगा, अच्छे से वहाँ पे कील ठोक करके वहाँ पे अच्छे से हैंग कर सकते हो। क्वालिटी एक नंबर आई है, मतलब वुडन का पूरा आपको मिला है बना हुआ है, और ये हैवी भी है, ये नहीं बोल सकते हो कि हल्का है, हैवी भी है। इसको आपने कहीं पे वॉल पे लगा लो, बहुत ही सुंदर सा दिखेगा, आपका घर बहुत ही प्यारा सा दिखने लगेगा। इसको अपने वॉल पे लगा लो ये तो, या फिर लिविंग रूम, या फिर रूम में, या फिर रेस्टोरेंट में, कहीं भी आपको जगह लग रहा है कि आप वहाँ पे लगाना चाहते हो तो वहाँ पे आप इजिली इसे लगा सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत है, लोगों की नज़र एक ना एक बार इसके पे जाने वाली है, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है ये सब चीज़ें। चलिए फिर मैं आपको अपने रूम पे कहीं पे इसको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बटरफ्लाई का आपको शेप वाला मिरर मिलने वाला है, काफ़ी सुंदर सा अट्रैक्टिव सा है, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा सा आपको शेप में मिलने वाला है। जो इसका पूरा मटेरियल होगा ना, आपको फाइबर का मटेरियल मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे, आपको ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और बहुत कम रेंज वाला भी है, तो बहुत ही खूबसूरत सा आपको बटरफ्लाई वाला मिरर मिलने वाला है। अपने घर को अच्छे से डेकोर कर सकते हो, ब्यूटीफुल सा अपना घर बना सकते हो। और पीछे में आपको ऐसा हैंग करने के लिए भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हैंग करने का टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे कुछ छोटी सी कील आपको गाड़नी है और हैंग कर देना है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे है। मुझे ये बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर सा लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगा मुझे, काफ़ी सुंदर और बहुत ही प्यारा सा, ये एकदम यूनिक सा मुझे लगा, तो मैंने इसे बाय कर लिया। मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि आपको इसको बाय करना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत सा पीस आपको मिल रहा है बहुत कम रेंज पे। चलिए मैं आपको इसको डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद कैसा लगता है। जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेस किया है ना, वो भी आपको वॉल पे ऐसा हैंग करने के लिए मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको मेटल का बना हुआ मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा, यहाँ पे छोटा सा आपको प्लांट जैसा मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर और येलो कलर और ब्लैक कलर भी आपको मिलने वाला है, काफ़ी खूबसूरत सा है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आपको शेप मिलेगा, लंबे शेप में आपको ये वाला आपको वॉल पे हैंग करने के लिए मिल जाएगा, ये सिंगल पीस आपको मिलने वाला है। पीछे में हैंग करने के लिए आपको ऐसा जगह दिया जाएगा कहीं, जहाँ पे आप उसको अच्छे से डेकोर कर सकते हो अपने हॉल में या फिर लिविंग रूम में। काफ़ी खूबसूरत सा पीस है, बहुत ही कम रेंज में मिल रहा है, मुझे काफ़ी सुंदर सा और अट्रैक्टिव भी लगा, तो मैंने इसे बाय कर लिया। चलिए मैं इसे आपको कहीं पर लगा के दिखाती हूँ, लगाने के बाद ये कैसा लगता है। आइटम है कुछ आपको ऐसा प्लांटर वाला मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी अब अपने वॉल पे हैंग कर सकते हो। इसमें हैंग करने के लिए आपको स्पेस दिया गया है, इसमें छोटा सा आपको ऐसा प्लांटर दिया गया है, चाहे आप इसमें आर्टिफिशियल या ओरिजिनल प्लांट लगा लो और कहीं पे हैंग कर दो, काफ़ी खूबसूरत सा है। पूरा आपको मेटल का मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको गोल्डन कलर में मिलने वाला है, खूबसूरत पीस है, बहुत ही कम रेंज वाला है, मुझे काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने इसे बाय किया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव भी हो गया है। चलिए मैं इसको फटाफट से आपको कहीं पर हैंग करके दिखाती हूँ, हैंग करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा लगने वाला है, मुझे यकीन है, मुझे काफ़ी अच्छा लग भी रहा है ये, और इसमें आप कुछ भी चीज़ डाल के इसे हैंग करोगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए मैं आपको इसको हैंग करके कहीं पर दिखाती हूँ। जो मेरा नेक्स्ट आइटम है कुछ मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, काफ़ी सुंदर सा आपको यहाँ पे कैंडल लगाने के लिए, आपको यहाँ पे वॉल दिया लगाने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो शेप है ना मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, और इसका डिज़ाइन है ना बहुत ही सुंदर सा आपको गोल्डन कलर पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आपको 6 जगह पर आपको दिया लगाने को मिल जाएगा, और पीछे में आपको ऐसा हैंग करने के लिए भी दिया गया है, यहाँ पर हुक दिया गया है, जहाँ पर आप आराम से इसे कहीं पर कील पर कहीं पर हैंग कर लोगे, काफ़ी खूबसूरत सा पीस है। अपने घर पर कहीं पर भी अब तो
दशहरा और दिवाली सब भी आने वाला है, तो उसे जरूर परचेज करिएगा और अपने घर को एकदम खूबसूरत बनाइएगा। बहुत ही प्यारा सा पीस है, आप कहीं भी अपने वॉल पे इसे हैंग कर लो और यहाँ पे आर्टिफिशियल या फिर ओरिजिनल आप यहाँ पे कैंडल रख लो, बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला है। मुझे भी खूबसूरत सा पीस है तो आप तो जरूर बाय करिए। मैं तो इसे पक्का मैं अपने वॉल पे ना दिया के साथ में लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सा पीस आपको रिसीव बहुत ही कम रेंज पे। तो चलिए मैं आपको कहीं पे इसे लगा के दिखाती हूँ। काफी सुंदर सा आपको ये मेटल में मिलने वाला है, ये आपको सनफ्लावर वाला शेप वाला आपको मिरर मिलने वाला है, पूरा आपको ऐसा मेटल में बना हुआ मिल जाएगा। ये फ्रंट पे आपको मिरर मिलने वाला है, अपने घर को बहुत ही सुंदर सा और एकदम अट्रैक्टिव बनाने वाला है ये चीज। और आप अपने हॉल पे या लिविंग रूम में कहीं भी लगा लो, बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। या फिर अपने बेडरूम में भी लगाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा सा आपको चीज़ मिल रहा है, बहुत ही सुंदर शेप वाला मिल रहा है, बहुत ही कम रेंज में मिल रहा है, मतलब 300 रुपये के अंदर आपको ये चीज़ मिल रहा है। मुझे काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगा। और मैं पीछे का भी आपको दिखाती हूँ, पीछे में आपको कुछ ऐसा हैंग करने के लिए मिल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको कील पे यहाँ पे अटकाना है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। पीछे आपको मिरर पे ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, तो मतलब मिरर भी नहीं निकलने वाला है, बस इसे अच्छे से केयरफुली कहीं पे हैंग कर लेना। अगर बहुत ही सुंदर सा पीस आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम रेंज में मिल रहा है, मुझे काफ़ी सुंदर लगा। चलिए मैं फटाफट से आपको कहीं पे से आपको लगा के दिखाती हूँ। जो मैंने चीज लिया है ना, बहुत ही प्यारा सा चीज लिया है, आप देख सकते हो काफी खूबसूरत सा। यहाँ पे मैंने ड्रॉप वाला आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे ड्रॉप वाला मैंने 2 मिरर लिया है, जो कि डेकोर के पर्पज़ से बहुत ही खूबसूरत सा पीस मुझे मिल गया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी नहीं कि बहुत छोटा छोटा है, बहुत मतलब अच्छी अच्छी लेंथ वाला ये आपको ड्रॉप शेप में आपको मिरर मिलने वाला है अपने घर को अच्छे से डेकोर करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत सा है ये, मुझे 300 रुपये के अंदर मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही कम रेंज पे। जो इसका मटेरियल है ना, वो आपको फाइबर मटेरियल मिलने वाला है अपने घर को बहुत ही खूबसूरत सा बनाने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे रिसीव हो गया है। यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए आपको ऐसा जगह मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे है। और मिरर की भी क्वालिटी, मतलब मिरर भी बहुत ही सुंदर आपको रिसीव हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा पीस मिल रहा है, जो शेप है वो आपको ड्रॉप शेप में मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा पीस है, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कम रेंज पे है। चलिए मैं आपको इसको डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद ही कैसा लगा। अगेन मैंने यहाँ पे मिरर लिया है, काफ़ी सुंदर सा मिरर मैंने लिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव मिरर मिल जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा आपको मेटल का बना हुआ मिलेगा, जो शेप है ना बहुत ही खूबसूरत शेप है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको हार्ट शेप वाला भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा हार्ट शेप आपको यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। हैंग करने के लिए आपको दिया गया है, मैं हैंग करने का भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ये आपको मिरर मिलने वाला है, क्वालिटी 1 नंबर मिल रही है, कम रेंज पे है, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है आपके घर को बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत ही प्यारा सा चीज है। चलिए मैं आपको इसका बैक का दिखाती हूँ। बैक पे आपको ऐसा मिरर पे सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पे मिरर निकलने वाला नहीं है क्योंकि इसमें सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है कील लगाने के लिए, यहाँ पे दो एक सर्कल दिया गया है, जैसा आप चाहो वैसा लगा सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे भी आप कील लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पे आपको ये वाला मिरर मिलने वाला है, मुझे काफ़ी सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, और मैं क्या बताऊँ मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसमें मैं को लग रहा है ना कि मैं को पक्का ये कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, लगता है कि आपको ये मिरर ना बाय करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव है। और कोई भी आपके घर पे गेस्ट आएंगे ना तो पहली नज़र इन पे जाने ही वाली है कि ये आपने मिरर कहाँ से लिया है। तो मुझे काफ़ी सुंदर सा काफ़ी अच्छा भी लगा। चलिए मैं सर कहीं पर डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद कैसा लगता है। आपको ये मेरा मिशो हॉल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप उससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कंटेंट लेते आते रहूँगी, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय, टेक केयर।